दोस्तों आज लेजेंड्स क्रिकेट लीग का तीसरा मुकाबला दोस्तों यहाँ पर अर्बन सुपरनोवास के बीच खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले में पहले यहाँ पर बात की जाए तो अर्बन सनराइजर्स ने यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करी। दोस्तों अर्बन सनराइजर्स के कप्तान है सुरेश सेना। जी हाँ दोस्तों, सुरेश सेना को इस मुकाबले का कप्तान बनाया गया है। दोस्तों सुरेश सेना की टीम पहले बल्लेबाजी करनी है। सुरेश सेना की टीम की तरफ से ड्वेन स्मिथ और मार्टिन गप्टिल दोनों यदि शानदार लीजेंड्स ने यहाँ पर ओपनिंग पार्टनरशिप करी। ड्वेन स्मिथ की बात किया तो 19 गेंदों पर दोस्तों 15 रन बनाया, जिसमें एक छक्का एक चौका मारा। 78.94 की स्टैगर से शानदार इन्होंने बल्लेबाजी करी। अगर अब्दुल रजा गेंदबाजी करना है और लकमल ने यहाँ पर कैच किया ड्वेन स्मिथ 15 रनों के स्कोर पर आउट। और दोस्तों मार्टिन गप्टिल की बात की जाए तो 28 गेंदें खेली, हमें 28 गेंदों के अंदर 46 रन ठोक दिए। इन 46 रनों की पारी में 6 चौके तो 2 शानदार छक्के मारे। 164.28 की स्टैगर से यहाँ पर ड्वेन मार्टिन गप्टिल ने शानदार बल्लेबाजी करी। दोस्तों हमीद हसन गेंदबाजी करना है और गप्टिल को यहाँ पर 46 रन के स्कोर पर बॉल किया और हमीद हसन को पहली सफलता मिली। गप्टिल का यहाँ दोस्तों अर्शद तक चूक गया। तीसरे नंबर आया गुरकीरत सिंह मान। दोस्तों पहली गेंद पर अब्दुल रजाक की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। दोस्तों यहाँ पर अब्दुल रजाक को मुकाबले में दूसरा विकेट मिला। दोस्तों चौथे नंबर आए यहाँ पर अर्बन राइजर्स हैदराबाद के कप्तान सुरेश सेना। सुरेश सेना दोस्तों 14 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए। इन्होंने अपनी 10 रनों की पारी में एक चौका मारा। 71.72 की स्टैगर से रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों सुरेश सेना अपनी आज के मुकाबले में कप्तानी पारी नहीं खेल पाया। ये इनका डेब्यू मुकाबला था कप्तानी के तौर पर इस लेजेंड्स क्रिकेट लीग में। दोस्तों हमीद हसन गेंदबाजी करना है। आतिश सुरेश सेना को एलबीडब्ल्यू आउट किया। पांचवें नंबर आए पीटर टैगोर ने 8 गेंदों पर 17 रन ठोक दिए। 13 पारी खेली, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 212.50 की स्टैगर से रन ठोके। दोस्तों मुन्ना वीरा ने आती यहाँ पीटर टैगोर को 17 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। भाई दोस्तों छठे नंबर स्टोर बिन्नी बल्लेबाजी करना है। 12 गेंदों पर 23 रन जड़ दिए, जिसमें 2 छक्के तो 1 चौका शामिल था। 191.66 स्टेट से बल्लेबाजी करी। हामिद हसन गेंदबाजी करना है और बिस्ला ने यहाँ पर कैच किया। ईश्वर बिनी 21 रन पर आउट। ईश्वर बिनी ने भी शानदार टीम को यहाँ पर फिनिश दे दिया और दोस्तों यहाँ पर 155 रनों तक पहुँचा दिया। सातवें नंबर योगेश नागर बल्लेबाजी करना है। इन्होंने 29 गेंदें खेली और 29 गेंदों के अंदर यहाँ पर 40 रन जड़ दिया। 29 गेंदों पर 40 रन ठोके, जिसमें 5 शानदार चौके भी मारे। 137.93 की स्टैगर से यहाँ पर योगेश नागर ने बल्लेबाजी करी। दोस्तों यहाँ पर नेकी गेंदबाजी करना है और बिस्ला ने कैच किया और योगेश नागर 40 रनों के स्कोर पर यहाँ पर अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों आठवें नंबर पर यहाँ पर बल्लेबाजी करना है अमित पोनीकर ने। अमित पोनीकर ने दोस्तों पहली गेंद खेलना है और पहली गेंद पर हामिद हसन ने बॉल किया। दोस्तों डक पर आउट हो गए अमित पोनीकर। यहाँ पर नवे नंबर पर टीम ने बेस्ट बल्लेबाजी करना है। 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हुए। 33.33 स्टैगर से लकमल आते ही यहाँ पर टीनो बेस्ट को 1 रन पर बॉल किया। लकमल को मुकाबले में यहाँ पर दूसरी सफलता मिली। 10 नंबर है क्रिश मोकू ने यहाँ पर पहली गेंद खेली थी और लकमल के हाथ में बॉल हो गए अगली गेंद पर। तो लगातार 2 बॉलों पर 2 विकेट मिल गया यहाँ पर लकमल को। लकमल ने दोस्तों लगातार यहाँ पर हैट्रिक गेंद पे तो इसी तरह यहाँ पर टीम ऑल आउट हो गई तब तक और लकमल को 2 विकेट मिल गए। 11 नंबर दोस्तों यहाँ पर बल्लेबाजी करना है पवन सुयाल। पवन सुयाल की दोस्तों बात की जाए यहाँ पर डग यहाँ पर नाबाद रहे, एक भी गेंद यहाँ पर नहीं खेल पाए। दोस्तों एक्स्ट्रा रन यहाँ पर 4 मिले पूरी टीम को यहाँ पर बात की जाए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर एक लेग बैक रन था तो 3 दोस्तों यहाँ पर वाइड के रन मिले। टीम रैना की टीम ने 156 रन बनाए 19.2 ओवर के अंदर ऑल आउट होकर। तो समय बात करते हैं रैना की टीम में किस प्रकार विकेट गिरे। तो दोस्तों सुरेश रैना की टीम में यहाँ पर पहला विकेट गिरा 50 पर ड्वेन स्मिथ का। एक बेहद ही शानदार शुरुआत मिल चुकी थी सुरेश रैना की टीम को यहाँ पर अर्बन हैदराबाद को। 6.4 ओवर के अंदर 50 रन बनाए, जिसे 50 पर पहला विकेट गिरा ड्वेन स्मिथ का। दूसरा विकेट दोस्तों गिरा था फिर से 50 पर उसी अगली गेंद पर गुरकीरत सिंह यहाँ पर डक पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए 6.5 ओवर के अंदर। टीम का तीसरा विकेट गिरा 66 पर मार्टिन गप्टिल का 9.2 ओवर के अंदर। गप्टिल ने 46 रनों की बड़ी शानदार पारी खेली मैच 28 गेंदों के अंदर। भले अपने 4 रन से यहाँ से चुक गए लेकिन टीम के लिए शानदार शुरुआत दी। चौथे नंबर 114 विकेट गिरा 85 पर पीटर टैगोर का 10.6 ओवर के अंदर। दोस्तों पाँचवा विकेट गिरा रैना का 89 पर सुरेश रैना का 11.4 ओवर के अंदर। रैना कप्तानी पारी नहीं खेल पाया और दबाव में 10 रन बनाकर आउट हुए, एक चौका मारा मात्र। छठा विकेट दोस्तों फिर इसके बाद गिरा था 152 पर। इसी बीच स्टुअर्ट बिनी और योगेश नागर की यहाँ पर दोस्तों 50 रनों से ज़्यादा की पार्टनरशिप हो चुकी थी। स्टुअर्ट बिनी ने शानदार 33 रन पारी खेली। 8-7 विकेट गिरा 152 पर अमित पोनीकर का। 8वां टीनो बेश का 9वां क्रिश पोपू 10वां विकेट योगेश नागर गिरा। दोस्तों अब्दुल रजा ने अच्छी गेंदबाजी करी, 4 ओवर में 21 रन दिए, 1 मैडम 2 विकेट निकाले। फिर सुरंगा लकमल ने 4 ओवर में 22 रन दिए, 2 विकेट निकाले। सबसे अच्छी गेंदबाजी दोस्तों हामिद हसन की, इन्होंने बहुत बड़े बड़े विकेट लिए, जिसमें मार्टिन गप्टिल ड्वेन स्मिथ और सुरेश रैना का विकेट शामिल था। हामिद हसन ने 4 ओवर में 30 रन दिए और 4 विकेट निकाले मात्र 7.5 की इकोनॉमी से। वहीं मुन्ना वीरा ने 4 ओवर में 35 रन का विकेट निकाला। फिर पवन नेगी ने भी 3.2 ओवर में महंगे साबित हुए 47 रन दिए, लेकिन इनको भी यहाँ पर एक सफलता हाथ लग गई। तो ओवरऑल यहाँ पर बात की जाए सुपरनोवास की टीम ने यहाँ पर सुपर स्टार्स ने बड़ी शानदार यहाँ पर गेंदबाजी करी। इसी प्रकार यहाँ पर सुरेश रैना की जो खतरनाक लीजेंड्स की टीम है, जिनको 155 रनों पर यहाँ पर 156 रन रोक पाई और 157 रनों का दोस्तों लक्ष्य मिला यहाँ पर सुपर स्टार की टीम को। इनकी टीम से दोस्तों यहाँ पर जेसी राइडर थरंगा बल्लेबाजी करना है। 5 रन पर आउट हुए राइडर मोफू का, तो
छरंगा है वो 5 पर आउट हुए टेगो के हाथों। तीसरे मरा मुना वीरा ने 27 से 34 रन बनाए, पारी को संभाला, 4 चौके 6 छक्कों की मदद से 125 से बल्लेबाजी करी। मोफू ने यहाँ पर 34 पर बॉल किया। चौथे बार यहाँ पर शिवन गोस्वामी 13 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए, 4 छक्के लगाए 138.46 शेयर से। सुयल ने गोस्वामी और 4 पर आउट किया। पांचवें कप्तान रोहित से बल्लेबाजी करना है, 11 गेंदों पर 12 रन बनाए, 1 छक्का मारा 109.09 की शेयर से। ओजा ने यहाँ पर गेंदबाजी करी। मोफू ने कैच किया रोहित सेलर 12 पर आउट। छठे नंबर पर दोस्तों एंड्रू मैकजी बल्लेबाजी करें, 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर 166.66 शेयर से। दोस्तों अभी एंड्रू मकाटी यहाँ पर गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों इनके साथी खिलाड़ी 7 नंबर पर मनिंद्र बिस्ला बल्लेबाजी करने आ चुके हैं, 5 गेंदों पर 4 रन बनाकर 80 रन से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 9 रन एक्स्ट्रा के मिले अभी तक इनकी टीम को, 8 वाइड 1 नो बॉल का। 12 ओवर के अंदर ये टीम अभी 294 रन बना चुकी है यहाँ पर 5 विकेट खोकर 7.83 रन रेट से। दोस्तों इसके बाद पवन नेगी की बल्लेबाजी बाकी है। इससे बात की जाए पहला विकेट गिरा था वो गिरा 10 पर यहाँ उपुल थरंगा का, दूसरा विकेट 10 पर गिरा जेसी राइडर का, तीसरा विकेट 53 पर गिरा गोस्वामी का, चौथा विकेट 77 पर गिरा दोस्त सेलर का, तो 5वें गिरा 86 पर दिलशन मुनावीरा का। दोस्तों बात की जाए यहाँ पर रैना की टीम की तरफ से हैदराबाद की टीम जिसने अच्छी गेंदबाजी करी, क्रिश मोफू ने 3 ओवर में 15 रन दिए, 2 विकेट निकाले 5 विकेटों में से। पीटर ट्रेगो ने 3 ओवर में 22 रन, 1 विकेट निकाला 7 में 33 ओवर में से, 1 नो बॉल फेंकी। टीनो बेस्ट ने 2 ओवर में 21 रन दिए, 10 साढ़े 10 की इकोनॉमी से, और 3 वाइड गेंद फेंकी। पवन सुयाल ने 2 ओवर में 17 रन दिए, 1 विकेट निकाला 8.5 की इकोनॉमी से। दोस्तों यहाँ पर सुरेश रैना की टीम अभी जीत के यहाँ पर करीब पहुँच चुकी है। दोस्तों अगर आप सुरेश रैना के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपको आगे भी लेजेंड्स क्रिकेट लीग यहाँ पर हेड मिलती रहेगी, तो उस आगे और खबर जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सुरेश रैना के फैन यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।